वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सेलिब्रिटी से करवा रही हूँ जो आज एक बहुत ही डिफरेंट काम के लिए यहाँ मौजूद हैं। अक्सर आप उनको मुझे इंटरव्यूज लेते हुए देखते होंगे, लेकिन आज एक बहुत अच्छे कॉज के लिए यहाँ मौजूद हैं और मैं उन्हें यहाँ वेलकम करती हूँ। फाखिर महमूद हमारे साथ। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सलाम सारे नाज़रीन। मैंने देखा हमेशा से आप हर अच्छे काम में आगे आगे रहे और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बिल्कुल कोशिश तो वैसे ही जैसे आपकी पर्सनालिटी है, मैं चाहती हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें कि इस दफ़ा आप किस अच्छे काम में आगे आगे नजर आ रहे हैं। देखें, जो हम म्यूजिक बनाते हैं वो भी बड़ा अच्छा काम है। बिल्कुल कौम को खुश करते की गजाए कौम को खुश भी करते हैं, कौम को मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं। सैलाब के ऊपर अब मजीद कुछ कहना कोई फ़ायदा नहीं है, सबको पता है कि क्या हम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने साथ 3-4 और ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी की हैं जिसमें पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी काफ़ी है। ठीक है। एक माइनॉरिटी वुमेन ऑफ अमेरिका है, हाँ। एक साउथ एशियन स्पोर्ट्स नेटवर्क है और एक साउथ एशियन एडवाइजरी बोर्ड है। ओके। ये मिल के कर क्या रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखें, ऑन ग्राउंड इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं जज्बे से सरशार, वो जाके मेडिकल सप्लाईज भी दे रहे हैं, तंबू भी दे रहे हैं, खाने पीने की अशिया भी दे रहे हैं, पूरी कौम कोशिश कर रही है। लेकिन हमने ये सोचा और बल्कि पाकिस्तानी सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने ये सोचा कि क्यों ना जहाँ जहाँ से पानी अब उतर रहा है और ज़मीन खुश्क हो रही है और जिन लोगों के घर गिर गए हैं उनको टेम्प्ररी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, उनको मुतबादल घर बना के दिया जाए। अच्छा, अब लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़े कि वहाँ पे करोड़ों रुपए होंगे तो फिर कॉन्क्रीट आएगी, बजरी आएगी, सर्दी आ जाएगी ना, इतनी जल्दी तो नहीं बनेगा सब कुछ। अब हम बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन पे जा रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जिस मालिक मकान का अपना घर गिरा है, अच्छा, उसके पास इंजीनियर्स की टीम जाएगी, ठीक है, उसको 2 टोकन देगी। वो पहले तो अपनी मिल्कियत बताएगा, उसकी जमीन जो थी, उसके बाद उस टोकन के साथ उसको एक खुदाल और कंक्रीट दे के चले जाएंगे और इंजीनियर्स पॉइंट आउट करेंगे कि 4 जगह जहाँ पे होल्स होने हैं, हाँ, वहाँ पे सुराख करके उनके अंदर जो मालिक मकान खुद है जिसका घर गिरा है वो वहाँ पे उस खुदाल से और कंक्रीट भर देगा। ठीक है। 3 दिन तक उसको वो पानी देगा, उसको पक्का करेगा, तगड़ा करेगा। सही। 3 दिन के बाद टीम दोबारा आएगी, ओके, उससे दूसरा टोकन वापस लेगी, हाँ, और वहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना देगी। और ये कितने 3 दिन के अंदर खड़ा हो जाता है? ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रीफैब है जिसके अंदर मेटल का फ्रेम ऑन स्क्रीन भी आप दिखा रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए। मेटल का फ्रेम है, हाँ। इसके ऊपर दूसरा पूरा टेंट है मोटा, जिसके ऊपर ऐसे केमिकल से ट्रीटमेंट है जो कि किसी भी हार्श वेदर कंडीशन को लास्ट करेगा, यानी लोग अंदर सर्दी से ठहरेंगे नहीं, ओके, और गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करेगा और ये 4 से 5 साल निकालेगा। अच्छा। और ये बालाकोट में भी इसका तजुर्बा हुआ था और ये काफी चले थे। अच्छा। और ये 10 फुट बाय 12 फुट इसकी पैमाइश है। अच्छा। 6.5 फुट इसकी हाइट है। इसके अंदर दरिया डाल के देंगे, ओके, और 5 गैलन का पानी का डिस्पेंसर अंदर देंगे। अच्छा। 7 मस्कीटो नेट्स देंगे और ये पूरी लागत होगी $250 एक घर, एक ये सब चीजों समेत, हाँ, और ये कंक्रीट समेत, और ये जो कि 5 साल कम से कम चलना चाहिए, ये इसकी $250 की इसकी लागत होगी। ओके। अच्छा, इसके अंदर मजे की बात ये है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जैसे कहते हैं कि सर जो ऊपर अखराजात लगते हैं, एनजीओस बड़ा अच्छा काम कर रही हैं लेकिन उनकी तनख्वाहें भी होती हैं, हाँ। पेट्रोल भी होता है, गाड़ियां भी होती हैं, सेलफोन भी चाहिए होते हैं, सब कुछ होता है, हमने ये सब माइनस कर दिया है। ओके। अब होगा ये कि रोटरी क्लब जो है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दुनिया भर में दफातर हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप उनका सब कुछ है, वो पैसे इकट्ठे करेगी, ओके, वही पैसे खर्चेगी। अच्छा। पैसे का जो खेल है रोटरी क्लब के पास है। तो हमारे बैंड्स जो चल रहे हैं उसमें रोटरी क्लब का नाम आ रहा है कि वहाँ लोग बिल्कुल जमा करा सकते हैं पैसे। इस वक्त पाकिस्तान में हमें उनसे पैसों की, पाकिस्तानियों से पैसों की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तानी सोसाइटी ऑफ अमेरिका और ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं रोटरी क्लब से मिलके, जो वहाँ के लोकल चैप्टर है न्यूयॉर्क में। ओके। अब 25 सितंबर को शाम 7 बजे रॉयल पाम बैंक्वेट हॉल फार्मिंगडेल न्यूयॉर्क में हम इवेंट करेंगे और ये डिनर होगा जिसके अंदर, अच्छा मैं जो बता रहा था आपको, मेन बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सारी कट हो गई, सारे लोग अपने वसाइल लगा रहे हैं। अब मैं जो अमेरिका जाके इसको होस्ट करूंगा प्रोग्राम को, मैं अपनी टिकट खुद ले रहा हूं। मैं वहां पे जाके जिस होटल में रुकूंगा उसके पैसे कोई और देगा, वॉलंटियर।
जिस रॉयल पाम बैंक्वेट हॉल में ये इवेंट हो रहा है उसने उसके ओनर ने फ्री कर दिया है। अच्छा, शाहीन रेस्टोरेंट है वहाँ पे जिसने पूरे की पूरी केटरिंग फ्री कर दी है। तो सब अपने वसाइल लगा रहे हैं, अपने मोबाइल फोन लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपना खर्चा, अपनी अपना टाइम। देखिए ये भी एक तरह की हेल्प करने का तरीका है, कार है ना? बिल्कुल। अब होगा ये कि सिंपल जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस कंपनी को यहाँ पे ये इसका पूरा ठेका दिया जा रहा है, वो हम गिन लेंगे $250 फी घर। कोई कॉस्ट इसके ऊपर नहीं है, सब उनकी अपनी कॉस्ट है जो कंपनी खुद करेगी। अच्छा, अगर $1,000 इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब है 4 शेल्टर बन गए। और ये कंपनी जो है पाकिस्तानी है? ये पाकिस्तानी पिंडी बेस्ड कंपनी है। आहा। अब अगर $10,000 इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब है कि 40 घर बन गए। $250 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ घर जितने बनते हैं, सही ये होंगे। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी तो ऐसे है। ओके, सब अपना अपने वसाइल खुद लगा रहे हैं, वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग आप, इंक्लूडिंग सलमान इकबाल का चैनल जो कि ये एयर टाइम दे रहा है, बिल्कुल ये सब इसमें हिस्सा डाल बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर $1,00,000 इकट्ठे होंगे तो उसको डिवाइड कर दो $250 से, इतने शेल्टर बन गए। तो ट्रांसपेरेंसी तो इसकी वाजे होगी। हम पाकिस्तान में कोई पैसे इस वक्त नहीं मांग रहे। अच्छा, जब ये चीज चल पड़ेगी और जब लोगों को नजर आना शुरू होगा, और इसका आगाज डेरा इस्माइल खान से हो रहा है। अच्छा। क्योंकि जहाँ से पानी उतर गया वहाँ से ये हम शुरू करने लगे हैं इसको। सही। तो ये है हालात। फाकिर, बहुत अच्छा आइडिया भी है, बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हम लोग सब यही डिस्कशन कर रहे थे कि अभी सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर क्या होगा, ये टेंट्स तो काबू नहीं करेंगे उस सर्दियों को। दूसरी बात, यही ऑर्गेनाइजेशन जो है अब ये एक तरफ तो ये काम शुरू कर रही है, बाकी कम्बल बिस्तर और चीजें अब सिंध की तरफ फोकस उनका है। हाँ। यहाँ पे अब ये एक तरफ तो टेंट के लिए पैसे, ये शेल्टर के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, दूसरी तरफ अब ये जो सप्लायर्स हैं, स्पेशली मौसम अब आ रहा है सख्त मौसम, उसके लिए कंबल वगैरह ये सब सिंध की तरफ अब डाइवर्ट होगा। तो पाकिस्तानी एक्सपैट ही नहीं कर रहे, बल्कि जो प्लेजेस मिले हैं वो जो नॉन पाकिस्तानी एक्सपैट हैं वहाँ पे वो, और जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन हैं वो लोग भी इसमें प्लेज कर चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि पैसे वहाँ पे बहुत इकट्ठे होंगे, जो कि सीधा रोटरी क्लब जमा करेगा और रोटरी क्लब ही खर्चा करेगा, रोटरी क्लब भी अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू यहाँ पे पैसे भेजेगा उस कंपनी को, और जो कंपनी आगे से जितने शेल्टर लगाएगी उनको उनके नुमाइंदे चेक करेंगे, और चेक करके $250 फी घर दे के। तो ये है। अच्छा, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वो भी कर रहे हैं वो, और मुस्लिम सोसाइटी? जी बिल्कुल, न्यूयॉर्क पुलिस के अंदर मुस्लिम भी बहुत हैं। हाँ। तो उनकी भी एक सोसाइटी है, वो लोग भी इसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं, कंबल वगैरह सब सारी चीजें सब कुछ वो कर रहे हैं। तो ये फिर ये बात है, और ARY पे आने का मकसद क्या है? क्या, क्योंकि ARY को हमारी एक्सपर्ट कम्युनिटी सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। ओके, तो इसलिए ARY के थ्रू हम आपका व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पाकिस्तानीज जो यहाँ अमेरिका में भी देख रहे हैं ना लोग। एब्सोल्युटली, उनको आप प्लीज वो बताएं जगह जहाँ सब जमा हो सकते हैं, डेट बताएं कि किधर आके वो अपने अपनी तरफ से जो भी हेल्प है वो कर सकते हैं। ये डिनर है जिसमें सेनेटर टॉम स्वाजी, सेनेटर नहीं सॉरी कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी, यानी वहाँ की पार्लियामेंट, एक कांग्रेस होती है और एक सेनेट होती है, तो वहाँ के कांग्रेसमैन है टॉम स्वाजी, जो कि शीला जैक्सन और कांग्रेसमैन एल ग्रीन के साथ अभी 10 दिन पहले पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके गए हैं। अच्छा, तो हमारे इस इवेंट के अंदर कांग्रेसमैन जो कि डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेट हुकूमत है इस वक्त बाइडेन की, टॉम स्वाजी आएंगे और मेरे साथ मिलकर ये फंड रेजिंग करेंगे। ये फार्मिंग डेल न्यूयॉर्क में रॉयल पाम बैंक्वेट हॉल है। अच्छा, जहाँ पे 25 सितंबर जो कि संडे है, उस शाम 7 बजे ये होगा रॉयल पाम बैंक्वेट हॉल फार्मिंग डेल न्यूयॉर्क में, जहाँ पे कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी आएंगे और वहाँ पे ये कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे। और वो चूंकि देख के गए हैं ये, इसलिए वो बहुत मुतासर हैं। अब देखें, पैसे इकट्ठे करना एक बात है, हम तो चलो कितने लाख या मिलियन इकट्ठे कर लेंगे, मेन बात ये है कि ताकत का मरकज है अमरीका, और अमेरिका का ताकत का मरकज है वहाँ की पार्लियामेंट। जब वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ देंगे तो मेन स्ट्रीम अमेरिका और वहाँ के थिंक टैंक्स और वहाँ के रियासती इदारे जो हैं उनको भी, उनके भी कानों में ये सुनी जाएगी कि पाकिस्तान कितने मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। एग्जैक्टली। तो इसलिए उसको उजागर करने के लिए वहाँ के जो कॉकस हैं, पाकिस्तानी कॉकस जो हैं वहाँ की पार्लियामेंट के और कांग्रेस के, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनको हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इसमें
पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोग भी जो अमेरिका में रहते हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और जब तक वो लोग नहीं बोलेंगे वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन है तब तक उस बात की अहमियत इतनी बनती नहीं बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करें फाखर एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म को यूज किया। यार भाई की बहुत आवाज जो है दूर तक पहुंचती है एंड मैं शुक्रिया करूंगा सलमान इकबाल का जिन्होंने चंद घंटों के नोटिस के ऊपर ये मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। तो बेस्ट ऑफ लक आपके काम में, कहीं और हमारी जरूरत महसूस हो तो हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप मैं कहती हूँ कि सारे घर ही आप लोग बना पाए, इतना फंड इकट्ठा हो, अल्लाह करे कि हजारों लाखों ये बने, जितना इकट्ठा होगा इंशाल्लाह उसका ये सब बनेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू निदा। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है वो जो फ्यूल आपको सुबह का चाहिए होता है उसका हिस्सा मैंने दे दिया है, अब बाकी गाड़ी चलाना पूरे दिन की आपका काम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है।